इस्लामाबाद की टीम। क्या खुशी थी वो, बस जब हम देखते थे ना टीवी पे कोई डेयर जीता किस तरह छलांगे मारते, मेरा दिल कर रहा बस उसे मैं छलांगे मारूं। हम लोगों ने कहा कि आज हमने ये इमेज क्लियर कर दिया, कुछ लोगों के जहन में था कि शायद पिंडी इस्लामाबाद वाले मम्मी डैडी टाइप कुछ लोग होंगे, लेकिन हमने प्रूफ किया ना रास्ते पता ना हमें यहाँ के लोगों का पता, और स्टिल हमने प्रूफ किया कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं। लिटरली इतनी खुशी हुई ना कि सारा जो जो हम वो लेके आए थे इंस्पायरेशन वो डबल हो गई हमारी, कि अब इन सारों की कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को लग रहा था आप जीत जाएंगे? मारिया क्या हुआ? इसकी इधर आई थी, इधर आई। वकार जैन में कितने लोग जाएंगे? 12 लोग जाएंगे। अब हो सकता है 12 हो सकता है 11 हो। इसका डिसीजन कौन लेगा, कौन लेता है? वकार। लेकिन वकार भाई ने सोचा है कि अब जीतने वालों के थोड़े से मजे तो होने चाहिए, तो जो टीम इस्लामाबाद की जीती है वो डिसाइड करेगी कि आप में से कौन सी टीम है जो शो से बाहर जाएगी। जो वकार जैन नहीं जा सकती, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आगे नहीं आएगी कभी। जी माजिद, मारिया, सरदार, शानी, मेरे ख्याल में कराची की वैसे दोनों टीमों को आपको एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज के लिए इन्होंने इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद ऑन स्क्रीन आपके शो को इतना ये खराब कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें आ रही हैं। मेरे ख्याल में इनके शहर में शो है, इस तरह की हरकतें इनको एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। इस्लामाबाद का वो जो लड़का है शानी, काफ़ी चीप है, एक तो बोलता है इतना बुरा है, उसने बोला क्या एकदम से कि जी कराची वालों को वायर करो। ऐसे कैसे कराची वालों को वायर करो, मसला जो भी है नौशीन सर्वी का हो रहा है उसमें पूरे कराची वालों का क्या कसूर है, हम लोगों का क्या कसूर है? ये वाली बात तो है नहीं, दोनों टीमें तो बाहर नहीं जा सकती। आराम से आपको मैं क्यू कार्ड दूंगा, क्यू कार्ड हाथ में लो, सोच लो। चारों ने कर लिया कि कराची की टीम ही जानी है बाहर। वोट आउट के वक्त जब शानी एकदम से बोल पड़ा कि कराची वालों को निकालना है, तो हमने कहा भाई जरा चुप हो जा, तू इस ग्रुप का लीडर या कोई खलीफा नहीं है, आपस में डिसाइड कर ले। ऊपर से शानी साहब ने जो भंड मारा, इनको आपस में करने दो वोट आउट ये वो, मुझे तो इतना गुस्सा आया उसमें, मेरा दिल कि उसका मुंह तोड़ दो, हमारी बात वो सुन ही नहीं रहा। मैं उसे कह रही हूँ कि पहले लाहौर की टीम को निकालो, वो टीम स्ट्रांग लग रही है। वो आपके हाथ में क्यू कार्ड आएंगे, उन पे लिखना है आपने या तो 4 लोगों का नाम या 3 लोगों का नाम। जब वोट आउट का सीन हुआ तो वहाँ पे मुझे काफ़ी जो है ना डर लगने लगा था, क्योंकि फड्डा जो स्टार्ट लिया था वो नौशीन ने लिया था हमारी साइड से, और लाहौर और इस्लामाबाद ये देख रहा था कि पिन जो शुरू की थी नौशीन ने लेनी शुरू की थी। अब मुझे बताना है कि आप में से कौन सी टीम है जो शो से बाहर जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा एनी, आप क्यों रो रही हैं? वजह आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, फिर क्यों रो रही हैं? बोले अगर कोई बात है यार। बोलो यार। मुझे ये बोलना है कि हमने सबसे पहले टास्क कंप्लीट किया था और हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े थे, आप पूछ सकते हैं उनसे, हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े थे, सबसे पहले हमने टास्क कंप्लीट किया था, हमें बिल्कुल हमने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने टास्क कंप्लीट किया था, और अगर अब इनके डिसीजन पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये फेयर नहीं होगा। अच्छा देखें, ये ड्रामा तो अभी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑडिशन में हारे हैं वो भी गलत हारे हैं। एक नया ड्रामा नहीं क्रिएट करो, हिम्मत वाले रोते नहीं है। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? अभी बोलो जो मसला है। अब मुझे वो नाम बताने हैं जो शो से बाहर जाएंगे। पहला नाम जो यहाँ लिखा गया है इस्लामाबाद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सोच समझ के लिखा है, बाद में आप ड्रामा नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से लिखा है,
पहला जो क्यू कार्ड है उस पे नाम है सर्वी, एहनी और आसिम। दूसरा क्यू कार्ड है सर्वी, एहनी और आसिम। अब जो क्यू कार्ड है अगर वो आसिम, सर्वी और एहनी के खिलाफ हुआ तो आप लोग शो से बाहर हो जाएंगे। क्या लग रहा है तीन है, ये भी हमारे खिलाफ ही होगा। क्यों? और सर्वी आपको किस बात की हंसी आ रही है? कोई प्लानिंग की भी थी? तुमने सोचा था बस यहीं तक आना है, कुछ भी बोल बाल के निकल जाओ? आप तो ऐसे हंस रही हैं जैसे आपको कोई गम ही नहीं है शो से जाने का। मुझे गम किसको नहीं होता, लेकिन मैं इनको ये रोने पे हंस रही हैं। मैं इसको तसल्ली दे रही हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो इनको यकीन हो जाएगा।